भाभी श्री, भाभी श्री, अरे कोई है घर में? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, हाँ, अम्मा जी, फूफा जी आए। फूफा जी, जाओ जाओ, गंगा जल छिड़क के अंदर ले आओ। हाँ, जय गंगे भाभी श्री जी। जय गंगे, जय गंगे। आइए जी, जी बैठिए। अरे सरला, खड़ी मत रहो, जाओ चाय नाश्ते का इंतजाम करो, जाओ जी। अरे भाभी श्री, हमने ही गोमती से कहा था कि माताजी को फोन लगाओ कीर्तन के लिए, ताकि माताजी गोमती के साथ चली जाए और हम आपसे मिलने के लिए आ सके, मतलब आपको देखने आ सके। पर आप ठीक नहीं लग रही भाभी श्री। अरे आपके तो चेहरे की सारी रौनक चली गई है, ये क्या हाल बना रखा आपने काकी है? अब सब कुछ खत्म हो गया जीजा जी, मतलब हमारी उम्मीदें, हमारी हसरतें सब टूट के बिखर गई हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम एक माँ के रूप में असफल हो गए। अब तो भोलेनाथ से सिर्फ यही प्रार्थना है कि मुन्ना जहां भी रहे सुखी रहे, बस। अरे भाभी श्री, लेकिन हुआ क्या था मुंबई में, जरा विस्तार से बताइए, क्या कहीं है? होना क्या है जीजा जी, हमने तो अच्छी माँ होने का हर फर्ज अदा करने की कोशिश की है? अपना स्वाभिमान, अपनी जान लगा दी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन शायद हमारी किस्मत ही खराब थी, सब कुछ बिगड़ गया जीजा जी। हमें तो ऐसा लगता है कि हम हर रिश्ते में असफल हो गए, इसीलिए तो हमारा बेटा, हमारी बहू हमारे साथ नहीं है, यहाँ तक कि मुन्ना के बाबूजी भी हमसे नाराज हैं। अरे अब कुछ ठीक नहीं होगा जीजा जी, हम तो हार गए। अरे भाभी श्री, ये मायूसी भरी बातें और आपके मुंह से, ना ना ना, बिल्कुल शोभा नहीं दे रही है। आपने इतनी जल्दी हार मान ली है काकी? और हम क्या कहते हैं, आपको तो हार मानने की अनुमति है ही नहीं काकी। अरे आप माँ है माँ, अरे आपको तो पूरा हक है मुन्ना को वहां से कान पकड़ के खींच के ले आती। आपने जीजा जी, आप चाय नाश्ता लीजिए। अरे भाभी श्री, हम चाय नाश्ता करने थोड़ी आए हैं। भाभी जी, आपका हौसला बढ़ाने आए हैं। आज तक आप सारी बाजी जीतती आई हैं, हार मानना तो आपकी फितरत में है ही नहीं काकी हैं? और हार मान जाएंगी वो कल की आई हुई इतनी सी गौरी से, हरगिज नहीं भाभी श्री काकी। और इस गौरी के चंगुल से मुन्ना को खींच के ले आइए, उस पे सिर्फ आपका हक है, और आप अपना हक उस गौरी को देना चाहती हैं भाभी श्री काकी? नहीं, याद रखिए भाभी श्री, मुन्ना को हजारों गौरी मिल जाएंगी, पर ऐसी दूसरी मां नहीं मिलेगी काकी। हाय, लगता है अम्मा जी फूफा जी की बातों में आ रही है, हमें भी जाकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हाय अम्मा जी, फूफा जी एकदम सही बोल रहे हैं, आपको ना बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे ये बोल रहे हैं काकी। हाँ है? अच्छा, क्या बदतमीजी है। हाँ, हमने हजार बार तुमसे कहा है सरला, कैसे बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं, छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी।
हाय अम्मा जी, हम आपको बता नहीं सकते आपकी ये फटकार सुन के हम कितने खुश हैं। अम्मा जी हम तो डरे गए थे बिल्कुल। हाँ सच्ची, पर अम्मा जी आपने बिल्कुल ऐसे ही रहना, ऐसे डांटते रहना हमें, है ना? चपड़ चपड़ बंद करो और जाके रसोई संभालो, चले जाओ यहाँ से। परेशान करके रख दिया इसने हमें। अरे भाभी श्री, भाभी श्री का कई क्या रुतबा है आपका है, इसे भूलिए मत, बरकरार रखिए वरना ये घर खत्म हो जाएगा। भाभी श्री का कई है, अरे आपका साम्राज्य है, इसे मुट्ठी में रखिए, मुट्ठी में, भूलिए मत। और एक बात और याद रखिए, मुंबई और बनारस की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, मुन्ना बाबू को कभी भी वहां से कान पकड़ के लाया जा सकता है। का कही? हाय, आज पहली बार फूफा जी ने अनजाने में ही सही हमें ऐसा रास्ता दिखा दिया जिस पर चलकर शायद हम गौरी और शिव भैया को यहाँ लाने में मदद कर सके। आप जो कह रहे हैं जीजा जी ठीक है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, हमें नहीं लगता है कि आप जो कह रहे हैं वैसा हम कुछ कर पाएंगे। का कही? हाय हाय, राम जी को फोन करके बताते हैं कि हमें शिव भैया और गौरी को वापस लाने का रास्ता मिल गया। हम बोल रहे हैं सल्ला। हाँ बोलो बोलो, हमें फुर्सत नहीं अभी, बाद में बात करना। अब जानते हैं हम, लेकिन अभी हम आपको ऐसी बात बताएंगे ना कि आप काम छोड़कर नाचने लगेंगे। क्या? नहीं हाँ, अभी क्या हुआ ना, यहाँ पर फूफा जी आए थे और वो ना अम्मा जी को उकसा रहे थे। वो कह रहे थे कि क्या आप हार कैसे मान गई, आप ऐसे मायूस हो गई, और शिव आपका बेटा है तो यहाँ पर बुला लीजिए, अब उसको आप कुछ भी करके यहाँ पर बुलाइए, क्या क्या वगैरह वगैरह। तो अब उनकी बात सुन के ना हमारे दिमाग में एक आइडिया है। अरे रुकिए, कोई सुन तो नहीं रहा? हाँ, तो हमारे दिमाग में ना एक आइडिया है। हमने क्या सोचा है, हम भी अम्मा जी को ऐसा उकसाएंगे कि अम्मा जी कोई ना कोई साजिश करके शिव भैया को यहाँ बुला लेंगे और शिव भैया गौरी के साथ यहाँ पे वापस आ जाएंगे, है ना आइडिया? अरे सरला, बेकार की बातें मत सोचो, इतना दिमाग मत लगाओ, ज्यादा है भी नहीं, चुपचाप घर का काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। अरे बाबूजी आने वाले, उन्हें हिसाब देना है, वैसे भी हमारा मुंबई जाने की वजह से सारा काम पेंडिंग पड़ा है, उन्हें हिसाब नहीं दिया तो मैं डांट पड़ेगी हमें। हाय, अरे आपको अपने भाई से ज्यादा काम की पड़ी है, कैसे भाई आप? लेकिन हम तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, हम ना अपने देवर और देवरानी को वापस लाने के लिए जी जान लगा देंगे बिल्कुल। सरला हम, आप नहीं हम, और फूफा जी ने जो उम्मीद के बीज बोए है ना, हम उसमें रोज पानी डालेंगे और अम्मा जी को ऐसा उकसाएंगे कि अम्मा जी ना शिव भैया को कोई ना कोई साजिश करके यहाँ पर बुला ही लेंगी और शिव भैया गौरी के साथ वापस आ जाएंगे, है ना आइडिया? और इस घर की ना मनुष्यत भी चली जाएगी और हमें पूरा यकीन है शिव भैया यहाँ पर आएंगे ना तो वो सब कुछ संभाल लेंगे, हीरो है हमारे शिव भैया बिल्कुल। हाँ हो गया, अभी रखो हमें बहुत काम करना है अभी। अच्छा ठीक है, हाँ रखते हैं। क्या हुआ बाबा, गाड़ी बंद हो गई? तू अंडी यहाँ बड़ी? हाँ वो सब्जी लेने गए थे हम, फ्रिज नहीं है ना घर पे, तो रोज ताजी सब्जी लेके आनी पड़ती है। हम देखते हैं, आप ये पकड़िए एक मिनट, देखते हैं हम। ऑफिस ले गए ना इसका? अब ऑफिस का तो क्या बताएं बाबा, गौरी जी को तो नौकरी मिल गई है मीतू जी की जगह, हमारा कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, बॉस बहुत नाराज है हमसे, कहता है कि कभी बनारस बोलते हो कभी मुंबई बोलते हो, बाप का ऑफिस है क्या, ऐसा बोला हमें। खैर हमने एप्लीकेशन दी है ट्रांसफर के लिए, देखते हैं क्या होता है। तिथले ऑफिस में बोलस तर? नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं बोल सकते, वहाँ का बॉस तो बहुत नाराज है हमसे, हमारी नौकरी के पीछे पड़ा है।
बाबा नौकरी चलेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। खैर एक बात अच्छी है कि एक की तो नौकरी है, एक की तो तनख्वाह आती रहेगी। बाबा आप टेंशन मत लीजिए, अगर ये नौकरी चली भी गई तो दूसरी नौकरी कर लेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपका वादा टूटने नहीं देंगे, आपका वादा जरूर निभाएंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी बेटी यहीं रहेगी आपकी आंखों के सामने। बाबा ये हो गया, आप गाड़ी शुरू करके देखिए, चलिए दीजिए। चलिए अच्छा है गाड़ी शुरू हो गई, वरना आपको ऑफिस के लिए देर हो जाती है ना। चलते बाबू। थैंक यू। जा संसाराला आनी काय हव, नव्या घरा मंदी काय नवीन घडल, घर पुला संग संत ये गळ होईल, दिस जातील दिस येतील भोग सरल सुख येईल। हॅलो उर्मिला जी, मी फोन करणारच होते तुम्हाला, पण राहून गेलं। कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ गौरी, तुम कैसे हो? वहां पे सब कैसे हैं? और शिव भैया? शिव ठीक है, आणि इथे सगळं मस्त है। आम्हाला दोघांना खूप काळजी वाटत होती तुझी, म्हणजे ऑफिसचा पहिला दिवस आणि मुझे बताइए कैसा रहा पहला दिन? बहुत अच्छा गौरी, सच कहें तो पहले हम थोड़ी टेंशन में थे क्योंकि दादी जी ने बहुत हंगामा किया, लेकिन बाबूजी ने हमारा साथ दिया। बाबूजी बहुत बदल गए हैं गौरी, वो हमारी बातें इतनी अच्छी तरह से समझने लगे कि शायद अम्मा भी कभी ना समझ पाए। ये तो खरच खूब छान बातमी है, और इस बातमी का पूरा क्रेडिट आपको जाता है। नहीं नहीं, आपकी वजह से इस घर में इतने बदलाव आए हैं गौरी, और बाबूजी बाबूजी हमारा साथ दे रहे हैं। असल क्या है? आगे रिपेयर करवा लिया हमने इसे, कितनी गर्मी हो रही बाहर पता है आपको? बाहर तो गर्मी है ही, घर और भट्टी बना हुआ है। एक काम करो, ये आलू है ना, इनको यहाँ पे रख दो, पकाती क्यों, ऐसे पक जाएंगे ये। चिड़चिड़ का कर तो इस उर्मिला जी जिनसा फोन है ये। हाँ एक सेकंड। तो काय कर तो इसने फोन के बोल ना तेंचाशी। हेलो प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? भैया हम तो एकदम अच्छे, लेकिन अम्मा की थोड़ी चिंता हो रही है हमें। जब से मुंबई से आई हैं बहुत बदल गई हैं, एकदम चुप सी रहने लग गई हैं। हाँ दीदी, भाभी ने बताया हमें, हमें भी बहुत चिंता हो रही है अम्मा की, पर आप सब है ना वहाँ पे, आप संभाल लेना उन्हें। आपको पता है ना हम यहाँ काम अधूरा छोड़ के नहीं आ सकते। हाँ हम समझते हैं भैया, आप यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप वहाँ गौरी के बाबा को मनाइए और भाभी को जल्दी घर लेकर आइए, तब तक हम यहाँ अम्मा को मनाते हैं। डील जी। चलिए अब हम फोन रखते हैं, गुड नाइट भैया। गुड नाइट दीदी। करो ना चालू, करो ना इसको। वो तेज करते हैं चालक। चला चल गया, चलो शमी बंद हो गया ये। मैं बकते ना तेथून लूज कनेक्शन है। कोई लूज कनेक्शन नहीं, खटा रहा है। तू लगेच खटा रहा करतोस। हे बघ चला। खटा रहा है ये, हमने बोला ना आपको इससे कुछ नहीं होगा, ना मच्छर भागेंगे ना गर्मी कम होगी। आपके बाबा को खुश करने के लिए लेके आए हम ये, हमारा बस चलता ना एसी लगवाते, ये खटारा लेके नहीं आते। तू बाबा ना का बोलतो है, तन्ना होगा मध्य आनू लोग मदे ही है वो गौरी जी, उनके चक्कर में हमें गर्मी में सोना पड़ रहा है मच्छरों के साथ।
यार, इसको चालू करो ना इसको। भी करती है ना। रात भर में तो काट खाएंगे हमें, आपको भी काटा ना, सारा खून पी जाएंगे, हमारा क्या होगा बताइए। हम क्या कह रहे हैं, वो बाबा का ब्रह्मास्त्र लेके आए, हमें क्या लग रहा है कि वो वहां पर घुमा रहे होंगे उस ब्रह्मास्त्र को और सारे मच्छर यहाँ ट्रांसफर कर रहे होंगे। मुझे तो तेंची रैकेट आना रहे। हाँ। पर लागते तन्नत अरे कोई नहीं लागते, हम कह रहे हैं ना आपको, आपके बाबा एक बार गुस्से से नजर घुमा रहे ना यूं तो सारे मच्छर डर के भाग जाते हैं। तू जरा जास्तच मस्करी करतो है बाबांची, मला चालणार नाही, मी सांगून ठेवतो। जी बाबाची मुलगी, आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं, आपको मच्छर नहीं काटे इसीलिए। अब ले आए थाम ना, मी करते ना, चालो हम रैकेट लेके आए। तू ऐक ना शिव, हे बघ मी करते ना शिव। रेडिओ सोना जावय बापूंचा का हट्टिया, अडला की अडला। अरे बाबा घरात जावय बापू आत ना, मग तुझी आणखी भर कशात त्याच्यात। अरे शिव कधी येलस तू, घाबरलस ना माका। अभी आहे वो, अब अपने नए जावई बापू को डांट रही थी ना तब। अरे काय करणार मग, सगळे जावे तुझ्यावर काही समजूतदार नसतात ना, म्हणून मग डाटावा लागता। काय झालं, काय होय काय तुका? एक मदत चाहिए। काय? वो बाबा का रॅकेट चाहिए प्लीज। नाही रे बाबा, रॅकेट बिकेट काय मिळूच नाही। अरे तो वाघोबा डरकाळी फोडत माझ्यावर। नाही नाही नाही। अरे तो वो वाघ है तो आप भी तो शेर नहीं, आप क्यों डर रही हो? अरे दो ना प्लीज, दो ना। डास झाले काय? खूप डास झाले। डास रॅक सांगू नको आपण। हा सांगू नको कोणा। हा आणि लवकर परत दे, कळलं? आणखीन एक परत द्यायला येशील ना तर मग आईस्क्रीम आणायला विसरू नको। काय कसला आणशील? बदाम। हा पिस्ता। पिस्ता अंजीर सगळा पाहिजे त्याच्यात। हो हो घेऊन ये, दोन दोन कप आण। थँक्यू। अच्छा सुनो, अगर बाबा ने भी आपकी डांट सुनी होती ना तो उन्हें समझ में आ जाता कि घर में शेर से बढ़ के सवा शेर बैठा है। बाय। काय झालं आजी, एकट्याच का असतंय? एकटीच नाही गो, शिव इलेलो। शिव? हो, त्याका डास मारायची रॅकेट हवी होती तुझ्या सासरे बुवांची। बापरे, तुम्ही त्याला बाबांची रॅकेट दिली? बाबांना कळलं तर वैतागतील ते। अगो वैतागतलेच, रात्री ड्युटी वर ना किती वाजता घरी येऊ देत, त्यांना रॅकेट फिरवल्याशिवाय काय झोप येत नाही। अगं झोपलेल्या डाचा उठवून उठवून मारतील। आता म्हणतील हा रॅकेट दिसली नाही ना जागेवर की विचारतील रॅकेट कुठे गेले, इथले कुठली वस्तू घरात वेळेवर जागेवर सापडत नाही। आजी जाऊ दे गो, बाय गो। पण निशा, आपण सगळ्यांनी मिळून ना जावई बापूंका त्यांच्या आडमुठेपणाची जाणीव करून देऊ होय। आता गौरीवरचा त्यांचा प्रेम ना गौरी शिक्षा होऊक नको, नाही काय? खरंय आजी, आपण सगळे मिळून बाबांना समजवूया। आजी पण शिवच्या अम्माचं काय, त्यांना कोण समजावणार? आपण खरं हाय अम्मा जी, हम ना दरवाजा बंद करना भूल ही गए थे। वो क्या ना इतना काम है तो काम के चक्कर में दिमाग से निकल गया बिल्कुल। कोई बात नहीं सरला, हमने बंद कर दिया। हाय अम्मा जी, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई और आप हमें डांटेंगे भी नहीं? नहीं नहीं अम्मा जी, डांटिए हमें, वरना हम ना ऐसे ही गलती करते रहेंगे और भूलते रहेंगे, है ना? हाय भूलने से याद आया अम्मा जी, अभी आपसे पूछ रहे थे, वरना बाद में फिर से भूल जाएंगे। अम्मा जी वो शिव्या का जन्मदिन आ रहा है तो क्या क्या तैयारी करनी है? अम्मा जी याद है आपको पिछले साल आपने 100 लोगों को खाना खिलाया था मंदिर में,
और दादी जी ने शिव भैया को धान में तोला था, गाना बजाना हुआ था, घर में कितने लोग थे, सुबह से लेकर देर रात तक रौनक ही रौनक थी घर पे, नहीं? लेकिन इस बार तो शिव भैया है ही नहीं। हाय, तो क्या इस बार उनका जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्या? हमें नहीं पता सरला। नीनेमा जी, आपको सब पता है पर आप समझना नहीं चाहती, कहीं फूफा जी ने जो कहा था वो सच तो नहीं है?